आज की वीडियो होने वाली है इंडिया में हो रहे इलेक्शन के बारे में, यानी राजनीतिक सरकार के बारे में, यानी कि सरकार कैसे बनती है इसके बारे में। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हम जहाँ गांव में रहते हैं वहाँ बहुत से लोग इनसे अनजान हैं। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें अच्छी तरह से समझाएं इस वीडियो के माध्यम से। मेरा कर्तव्य बनता है कि हम देश की सबसे महत्वपूर्ण बात को अपने लोगों से शेयर करें, साझा करें। वोट वे भी करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। अभी यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं वो लोकसभा इलेक्शन है। अब हम बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे कि इलेक्शन कैसे होते हैं, यानी चुनाव कैसे होते हैं और सरकार कैसे बनती है। चुनाव मुख्यतः, यानी हम अभी थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि चुनाव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक एमपी, एक एमएलए। अब डिटेल में आते हैं। अभी जो हो रहा है वो एमपी इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन हो रहा है। तो एमपी का फुल फॉर्म आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का सदस्य। एमपी जो है वो पार्लियामेंट का सदस्य होता है, और पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं। ये कह लो कि एक संसद में दो प्रकार का रूम है। हम एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आएंगे और राज्यसभा में भी आएंगे। लोकसभा 1952 यानी 1952 में शुरू हुआ था, और अभी जो है 17वां सीजन इसका चल रहा है। अच्छे से समझने के लिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए हम, मेरा स्टेट है बिहार और डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, तो ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 10 में आता है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। हम इसके एग्जांपल को लेकर समझेंगे। तो हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी किशनगंज में आते हैं, तो यहाँ पे 52 बहादुरगंज, 53 ठाकुरगंज, 54 किशनगंज, 55 कोचाधामन, 56 अमोर, 57 जो है बैसी। तो अमोर और बैसी यानी 56 और 57 ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो लोकसभा में टोटल मिलाकर 543 यानी 543 सीट्स हैं जो एमपी के सीट्स होते हैं। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। बिहार में टोटल 40 एमपी के सीट्स हैं, यानी इसके सीट्स जो है पार्लियामेंट में 40 सीट बिहार में है। तो किशनगंज इसमें 10वां नंबर पर आता है, और सबसे ज़्यादा सीट जो है, जो एमपी के सीट है लोकसभा में, वो 80 है उत्तर प्रदेश का। किशनगंज का सांसद यानी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो मोहम्मद जावेद है, जो कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है। कि हम किशनगंज का ही उदाहरण लेकर चल रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी समझने में काफ़ी आसानी होगी, यहाँ के लोगों को भी समझ में आसानी होगी, इसलिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट का ही एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। किशनगंज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से 6 चुनाव क्षेत्र में से एक एमपी के सीट के लिए जो कम्पिटिशन होने वाला, बहादुरगंज चुनाव क्षेत्र से 9, ठाकुरगंज चुनाव क्षेत्र से 10, किशनगंज चुनाव क्षेत्र से 20 सबसे ज़्यादा, कोचाधामन चुनाव क्षेत्र से 12। तो ये मिलाकर इतने सारे लोगों का जो है किशनगंज जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ कंपटीशन होने वाला है एक सीट के लिए। मेनली जो कंपटीशन होने वाला है वो RJD और JDU के बीच में होने वाला है। RJD जो है वो इंडिया अलायंस में मर्ज है, और JDU जो है इंडिया अलायंस में मर्ज है। अगर आपको इन अलायंस के बारे में जानना है तो आप मेरा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बना के रखा है, उसका जो लिंक है मैं आई बटन या जो डिस्क्रिप्शन है अगर उसमें दे। किशनगंज और कोचाधामन चुनाव क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे पतंग का पल्ला भारी, ये हम अपने प्रिडिक्शन से कह रहे हैं, बस यूँ ही कह रहे हैं। हम जो ये ऊपर का जो आपको आंकड़ा बताए हैं ये हम 55 कोचाधामन को 20 पर रखकर बताए हैं। एमपी का काम है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है, जो चुनाव क्षेत्र से जिस चुनाव क्षेत्र से वो जीते हैं वहाँ से सीट मिला है उनको, तो वो अपने जो लोगों के वहाँ के लोग हैं, जो अपने एमपी जहाँ से बना है वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो मुद्दे को वो संसद तक पहुँचाए, और करंट जो अभी सरकार है उसके सामने अपने मुद्दे को, लोगों के मुद्दे को रखें और वहाँ के सरकार तक अपनी बात को पहुँचाएँ लोगों के थ्रू, और वो अपने थ्रू सरकार तक अपनी बात पहुँचाते हैं। पार्टी कोई भी हो, धर्म कोई सा भी हो, अगर आप अपने चुनाव क्षेत्र का यानी अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो एक अपने लिए एक अच्छा लीडर चुने, अच्छा एमपी चुने जो आपकी बात को संसद तक पहुंचाए, जो है सरकार जो है सरकार जिसकी भी उस सरकार तक पहुंचाए, ताकि आप आपकी बात जो है आपकी विकास हो सके, आपके एरिया का विकास हो सके। तो जाइए 26 अप्रैल को और वोट कीजिए, अपना इम्पोर्टेंट वोट कीजिए, जहाँ भी है आप प्लीज़ टाइम निकाल कर 26 अप्रैल को वोट करने ज़रूर जाएँ। राज्यसभा और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो वीडियो है वो नेक्स्ट में हम बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो में कोई फीडबैक देना चाहते हैं, इस वीडियो से कोई फीडबैक लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी बात शेयर करें। भावनाओं को साइड रखें तो यहाँ पे वोट सिर्फ धर्म पर ही होता है। अगर हम अपनी किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 55 जो है हिंदू रिलीजन है, और 43 जो है मुस्लिम रिलीजन है, और बाकी सभी रिलीजन परसेंटेज में रिलीजन भी और भी बाकी सब। यहाँ पे जो लोग हैं ये आधे आधे बढ़ गए हैं, तो इस बीच में जैसे मेन पार्टी जो होती है, मेन मेजोरिटी वाली पार्टी होती है, जैसे मुस्लिम की वाली पार्टी होगी या हिंदू वाली पार्टी होगी, तो बीच में कोई और पार्टी आता है और इन दोनों के वोट कार्ड को
काट कूट के ले जाता है और इसका फायदा किसी और को भी हो जाता है। तो इसी तरह से हो जाता है कभी कभी, इस तरह से राजनीति होती रहती है और जो राजनीति में टॉप करता है वो जीत जाता है। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपनी राय जरूर दें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।